Now, with immense pleasure, I extend a warm invitation to our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji, the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways. Shri Nitin Gadkari ji, a visionary with an innovative approach, a dynamic and strong leader, and a staunch advocate of alternate fuel technologies such as hydrogen and bioethanol, has consistently championed progress. I kindly request the Honorable Minister to grace us with his insights. Please bring your hands together. मंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, टोयोटा किर्लोस्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मासाकाजु योशिमुरा, किर्लोस्कर टोयोटा किर्लोस्कर की चेयरपर्सन और एमडी आदरणीय मिसेज गीतांजलि किर्लोस्कर, कंट्री हेड मिस्टर विक्रम गुलाटी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से श्रीकांत वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन, सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहन, आज का यह दिन बहुत खुशी का दिन है और केवल खुशी का दिन नहीं है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा आज वो प्रोटोटाइप वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल इनोवा गाड़ी आज लॉन्च हो रही है और मुझे याद है कि इसका लगातार फॉलो मैं मेरे मित्र विक्रम किर्लोस्कर जी के साथ लगातार करता था। आज के इस खुशी के मौके पे इस बात का जरूर दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो लगातार इस मिशन में पीछे लगे थे, बहुत मेहनत और परिश्रम उन्होंने किया और निश्चित रूप से आज यह दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। मैं विशेष रूप से विक्रम किर्लोस्कर जी याद करते हुए उनको बहुत बहुत याद भी करता हूं और श्रद्धा सुमन भी उनके प्रति व्यक्त करता हूं। आज के दिन का महत्व समझने के पहले हमें हिन्दुस्तान की समस्या को समझना है। हमारे इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ सकते हैं, पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात के लिए मैं बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस हूं कि हमारे देश में जो 40% पोल्यूशन है, जो हमारा पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के कारण, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और दिल्ली के लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इसका उनको अनुभव है। मैं 2-3 दिन दिल्ली में रहता हूं, जल्दी भागने की कोशिश करता हूं और जब गांव घर तक पहुंच जाता हूं तो इन्फेक्शन पहुंच जाता है और इसका कारण ये 40% वाटर एयर पॉल्यूशन हमारी समस्या है। मुझे बहुत खुशी है, मैं विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और देश की जनता के द्वारा उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे इंडियन ऑयल ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। पानीपत में जो हमारा प्लांट है, जो तरल हिस्से राइस क्रॉफ है, 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है और मैंने वैद्य साहब को एश्योर किया था कि तुम्हारा बिटुमिन जितना भी बनाओगे मैं खरीदूंगा, क्योंकि हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और हमारा 30 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है और सेंट्रल रिसर्च प्रोड ऑर्गेनाइजेशन और आपका इंस्टीट्यूट डेहराडून का दोनों ने मिलकर एक छोटा मशीन तैयार किया है जो अभी प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई है, जो परली से वो बायो बिटुमिन बनाती है। और मुझे बहुत खुशी है कि पुरी जी आपके नेतृत्व में आपने अभी विस्तारा एयरलाइंस का एक फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर यशस्वी रूप से चलाने का उपक्रम किया। दूसरी बात आपने और अच्छी की है कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे तब हमने बहुत
इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का एक कमाल डेहराडून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर लाया था। जब ये विमान लाया था तो अजय सिंह जो स्पाइस जेट के मालिक है वो भाई जब उनको आग्रह कर रहा था कि ये ट्रायल लेना है तो बड़ा संकोच कर रहे थे, बोले थे मेरा मशीन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। तब उनको विश्वास दिया कि एक्सीडेंट नहीं होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। और आखिरी मैंने उनको डांटते हुए कहा कि तेरे बहुत काम करके दिए है, ज्यादा हवाई जहाज हमारे कदम बिगड़ जाते तो जिंदा बचकर तेरे को ये करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि स्पाइस जेट का हवाई जहाज 50% एविएशन फ्यूल डाल के आया। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार में कुछ बहुत लोग अच्छा काम करते हैं। आपके फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के रिसर्च लेबोरेटरी ने कहा वो ये जो बायो ब्यूटिविन 150 टन पर डे बनाना था, शायद वो सोच रहे कि हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। और आने वाले समय में वर्ल्ड में ये रेगुलेशन आ रहा है कि 2% वो एविएशन फ्यूल में 2% बायो एविएशन फ्यूल जाएगी। तो आपके नेतृत्व में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को आदरणीय वैद्य हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन जिन्होंने बायो फ्यूल में बड़ा इंटरेस्ट लिया है, हमारे राम कुमार जी और पूरे टीम को पूरी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और एक दूसरी बात है जिसके लिए मैं पूरी जी को धन्यवाद दूंगा कि बीच में हमारे इथेनॉल का रेट जो राइस से इथेनॉल बनता था वो 56 रुपये था और कॉर्न से बनता था वो भी 56 रुपीज था। अब उन्होंने कॉर्न का रेट शायद 54 किया है, शायद 54 किया है और राइस का भी 54 किया है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है देश के किसानों की ओर से, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसानों के लिए योगदान देने वाली है। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बात, आज के दिन का महत्व अगर समझना होगा तो हिंदुस्तान की परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है। और हमारे देश में एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 12% है और हमारे देश में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस और कमर्शियल प्राइस कम है और वो खरीदने के लिए भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने गए। आज हमारे यहां ऐसी परिस्थिति है कि कॉटन के भाव आधे हो गए, सोयाबीन के भाव आधे हो गए, हम 1.5 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं और विशेष रूप से शुगर इस साल अच्छे हैं पर आज तक हमारी बीमारी थी शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस और एमएसपी से भी नीचे हमारे भाव चले गए थे। पर पूरी साहब आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया उसके कारण पहली बार आज कॉर्न को इंडियन मार्केट में 1800 रुपए के ऊपर भाव मिल रहा है। इसके कारण आपने इथेनॉल की परमिशन दी और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इथेनॉल की इकोनॉमी जिस दिन 2 लाख करोड़ की बनेगी उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 12% है वो 20% तक पहुंचेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 120 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, 500 ब्लॉक्स निकाले हैं जो सोशली इकोनॉमिकल सोशली एजुकेशन हेल्थ सब में पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और देश में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और इथेनॉल ये रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपने बहुत अच्छा काम किया कि इंडियन ऑयल ने आसाम में नुमालीगढ़ में एक रिफाइनरी डाली है जहां बांबू से बायो इथेनॉल बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि उसकी कैपिटल का ज्यादातर आपने इंडियन ऑयल ने हिम्मत से प्रयोग किया। अभी मेरे जो मौका मिला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को मिलने का और ये नुमालीगढ़ से हमने पाइपलाइन डालकर बांग्लादेश में हम पेट्रोल और डीजल बेचते हैं। तो बात करते करते इथेनॉल की बात जब हुई तो मुझे श्रीलंका के मिनिस्टर और हमारे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा
क्या आपको हमारे देश के लिए इथेनॉल एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है? तो मेरा आपसे सुझाव है कि रुमालीगढ़ की रिफाइनरी से बांबू से तैयार हुआ इथेनॉल पेट्रोल में डालकर आप अगर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगी, बांग्लादेश का पोल्यूशन भी कम होगा और इथेनॉल के लिए इंटरनेशनल मार्केट भी मिलेगा। अभी फिलहाल आपने 20% की बात की है, वो 11.75% का आया। जैसे मैंने पहले दिन से कहा था कि इथेनॉल बनाने में रिस्ट्रिक्शन मत करो, तो सबने मिलकर काम करते करते बहुत दिक्कतें आती है, उसका परिणाम है कि जो आए उसको इथेनॉल बना दो। आज हमारे देश में राइस से इथेनॉल बनता है, कॉर्न से बनता है, फूड ग्रेन से बनता है। पहले समय मैं 2004 से मिशन के रूप में काम कर रहा हूं, तब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे केलकर, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे विजय केलकर, वो बोलते थे फूड वर्सेस फ्यूल। और मैं उनको बोलता था केलकर साहब पूरा बैंड बच गया, हमारे 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, फर्टिलाइजर इंसेक्टीसाइड के भाव बढ़ गए और हमारे भाव नहीं बढ़ रहे, आप सुनो ये मत करो। पर बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये व्यू पॉइंट मान्य हुआ कि हम फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति देंगे। और आपने तो राइस स्ट्रॉ करौली से भी इथेनॉल बनाया, बांबू से भी इथेनॉल बनाया और वेस्ट लैंड का उपयोग करके इथेनॉल बनेगा, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं है। और आपने ये भी 11.75 जो किया है, अगर आप थोड़ा सा इसमें एक बार फिर से बैठकर अगर ये 20% भी करना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर आप ये टारगेट पूरा कर सकेंगे, इतनी कैपेसिटी इथेनॉल मैन्युफैक्चरर के पास है और निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। इथेनॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज हो। और आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले हमें बजाज, टीवीएस और हीरो के पीछे लगा मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की, पुणे में आपने इंडियन ऑयल की पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। पर प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के पंप अब शुरू नहीं हुए। अभी आज की इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। और फिर से बाद ये गाड़ी वाले बोलते हैं कि पंप नहीं है तो गाड़ियां कैसे बेचेंगे। बजाज पूछता है मुझे कि मैं पुणे में अगर टू व्हीलर बेचूंगा तो मुझे पंप बताओ कहां भरूंगा। तो पहले अंडा की पहले हमने किसने बहुत चर्चा ऑर्डर की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा फ्लेक्स इंजन का, बाकी भी कंपनियां आएगी। और एक दिन ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इम्पोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। और सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, तो इम्पोर्ट से भी मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहां विशेष रूप से सबसे बड़ी समस्या जो है वो विशेष रूप से डीजल के पोल्यूशन की है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक आ गई, अब आपके ही नेतृत्व में 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी टाटा के साथ लगभग अंतिम इसमें आया हूं कि दिल्ली से जयपुर में केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, ताकि 3 बसें छोड़कर जाएगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट रहेगी और डीजल के तुलना में 30% रेट कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल और अच्छा करने से लोग गाड़ियों के बजाय उस पर जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेहरे में जितने ये जो हंसी आ रही है इसका कारण हमने देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा किया है कि अब हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है। और मैं जब इस समिति में आया था तो हमारे इंडस्ट्री का साइज 4.5 लाख करोड़ था, अभी इंडस्ट्री का साइज 12.5 लाख करोड़ हुआ है। मैं जब मंत्री बना था हम सब हमारी सरकार आई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पर थे, अब हम 3रे नंबर पर आए हैं और 1ले नंबर पर चाइना है, 2रे नंबर पर यूएसए है, 3रे नंबर पर इंडिया है और 4थे नंबर पर जापान चला गया, हमने जापान को पीछे डाला। पर मैं मानता हूं कि अभी जल्दी हम लोग 1ले नंबर पर आएंगे और वर्ल्ड का 1ला मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे,
इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायो डीजल बायो एलएनजी बायो सीएनजी इसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल को जो इंकरेजमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मिली है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और पूरी जी एक बात के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद एआरआई ने आपको एक रिपोर्ट दिया है डीजल में 15% इथेनॉल डाल सकते हैं। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ गई तो दूसरा काम आपको मुझे महेंद्र पांडे और पीयूष गोयल को करना है कि वो पुरानी पॉलिसी को बदलकर आप ऐसी पॉलिसी लाओ कि जिसमें डालना डालो। मैं आपको बताता हूं और एक नया काम हम कर रहे हैं 4000 करोड़ लीटर जनरेटर सेट में जाना है। और ये मैंने आज महेंद्र पांडे जी को कहा कि किर्लोस्कर जो है पूना के उन्होंने मेरे कहने पर जनरेटर सेट बनाया पंप सेट बनाया। अब वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वो एक फीट लगाकर जनरेटर सेट भी इथेनॉल पर चलता है और देश का पहला इथेनॉल का जनरेटर सेट मेरे बिल्डिंग में मैंने लगाया है और वो चल रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी फ्लेक्स इंजन से बढ़ेगी 20% पेट्रोल में डालकर बढ़ेगी और इतना ही नहीं तो आगे डीजल में अगर आएगी तो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा विटामिन दाता बनेगा और आपके पुलिस साहब आपके सहयोग से हमारा किसान बायो एविएशन फ्यूल का दाता बनेगा। क्योंकि मैं किसान हूं मैं बहुत थक गया हूं मैंने बहुत कपास लगाई चावल लगाया संतरे लगाए कर्जे का बोझ करनी हो हमारा दुख और दर्द अलग है। मैं जिस क्षेत्र से आया 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और आप सब लोग इथेनॉल के कारण ये जो महेंद्र पांडे बैठे हैं आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी से मेरी बात हुई अगर ये इथेनॉल है चीनी कम है इसलिए भाव मिल रहे नहीं तो आपके आंखों में आंसू होते चीनी के पैसे दो साल तक चीनी मेरे दे नहीं पा रही थी। ये तो पूरी साहब ने और मोदी जी ने इथेनॉल लाया इसलिए उत्तर प्रदेश में आप हंस रहे हो और पूरे किसानों के पैसे मिल रहे हैं नहीं तो आपका ढूंढना कठिन होता। 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है एक दिन मोदी जी मुझे कह रहे थे आप ये करो बोलो कहां जाना है मैंने बोला बिल्कुल सही बात है 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां गन्ना लगाते हैं और उनके पैसे नहीं मिले तो निर्णय करने के लिए हम यहां आ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि किसान और ज्यादा गन्ना लगा रहा है मेरे यहां भी 7 एकड़ गन्ना है क्योंकि गेहूं और चावल कपास में कमाई नहीं होती गन्ने में अभी 85 टन हमारे कोल्हापुर बेटा अभी मैं कर्नाटक के चुनाव में गया था ये उनके फैक्ट्री में गया था बेटे मैं पूरा ऊपर से देख रहा था दिल्ली का से पूरे बेटा जिले में गन्ना ही गन्ना। तो आज का ये निर्णय किसानों के लिए बता है इसलिए आई एम स्पेशली गिविंग माई थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ क्वेटो पर्टिकुलरली इंडियन हमारी भारत की जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन गीतांजलि किर्लोस्कर को मैं विशेष रूप से आई एम गिविंग माई स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर योर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द पोल्यूशन इन द कंट्री एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। We are giving special thanks to you. Today it is a very, very historical day. Once again giving my thanks to all management of Kuwaito and the people of our country. And particularly from the farmers community, I am giving my special thanks to all stakeholders, those who are related with this mission. And I am requesting you, as early as possible, make more models of Flex engine. And I am waiting for that. First of all, I will give the order immediately. And that is the dream of all of us. You have the motorcycle, two-wheeler on 100% ethanol, auto rickshaw on 100% ethanol, car on 100% ethanol. And once upon a time in my own parliamentary constituency in Nagpur, we have started the buses from Scania with 100% on bioethanol. So everything is possible, and that is to the need of our country regarding pollution. And considering the economic challenge of the country. Once again, I am giving my thanks to all of you, giving thanks to the Petroleum Minister, giving thanks to Mr. Vaidya from India Oil, and also giving thanks to research from Indian Oil Laboratory. And I am really happy. Today is one of the important days in my life. From 2004, I am trying and convincing to the people about ethanol,
today is really fulfilled with all of you. That is to be a great thing for me. I am giving my special thanks individual from Mr. Nitin Gadkari, because I am working on this mission from 2004. I was with Vajpayee ji sent me to Brazil with Ram Naik. I started all this thinking in the country, and that is to be a great achievement. I am really thankful to you personally. It's really a great day in my life. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir. You have given us a food for thought, and as you rightly said, that this is the historic moment.